हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुलजीत कौर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है मंडे मॉर्निंग, तो बच्चों की थी आज छुट्टी, तो वो घर में ही थे, तो मैं बना रही हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट बच्चों का और हस्बैंड का। तो मैंने अपनी जो हल्दी वाली चाय है वो पी ली है और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ अभी तक, और मेरा योगा भी मैं कर चुकी हूँ। तो उसके बाद बच्चे उठे, आपको बताया कि छुट्टी वाले दिन बच्चे लेट उठते हैं, तो हस्बैंड भी जॉब एक आध करके वापस आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि उनको भी ब्रेकफास्ट दे दूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। तो आमलेट बनाया है सिंपल सा, अनियन और उनके साथ मैंने होल व्हीट ब्रेड दिया है उन्हें, तो एक कप अदरक वाली चाय, वो तो बनती है सर्दियों में, आपको पता ही है। तो सुबह उठकर बस आपको पता ही है कि मेरा जो छुट्टी वाला दिन होता है ना सैटरडे संडे के बाद, तो मुझे लगता है कि मेरे घर में जितना बस गंद मचा होता है, तो वो मुझे क्लीन करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से उन्हें ब्रेकफास्ट दे दूं, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही कर लिया, तो यही उनका ब्रेकफास्ट था और यही लंच, बिकॉज लेट था तो इसीलिए। तो ये मैं बना रही हूँ बेटी के लिए, तो मैं ये वाली पैन स्प्रे जो होती है वही यूज़ करती हूँ, ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक एग यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, आपको पता है कि हेल्थी होते हैं, तो मैं एग यूज़ करती हूँ। तो मोस्टली बच्चे एवरीडे आमलेट नहीं खाते हैं, कभी कभार ही खाते हैं, वीक में एक आध बार खाते हैं। तो फिर मुझे होता है कि आज छुट्टी है, क्यों ना उन्हें ये बना दूँ हेल्थी सा, और फिर मैं बाद में इजी से काम भी कर सकती हूँ, तो मुझे लंच भी नहीं बनाना पड़ा। तो बस मैंने यही बनाया उनके लिए, लंच भी यही था और ब्रेकफास्ट भी यही था। तो वो आमलेट के साथ कोई जूस वगैरह ले लेंगे। तो ये मेरी बेटी का मैं बना रही हूँ, तो ये मैं साथ में चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो बच्चों के लिए अच्छी है। तो बच्चे आपको बताया कि होल व्हीट ब्रेड यूज़ वो नहीं खाते हैं, तो मेरे लिए और हस्बैंड के लिए मैं होल व्हीट ही ब्रेड यूज़ करती हूँ और बच्चों के लिए वाइट वाला। तो मैं साथ में ये टोस्ट कर लूँगी, फिर ईजी से जल्दी से मेरे जो सैंडविच हैं वो बन जाएंगे। तो मैं साथ साथ आमलेट बना रही हूँ, तो वो सैंडविच फिर मुझसे ईजी से बन जाते हैं। तो बेटी है जो, वो भी अनियन वाला पसंद करती है, तो मैं साथ साथ बस जल्दी जल्दी से उन्हें सर्व भी कर रही हूँ और बना भी रही हूँ। आपको पता ही है कि जब सैटरडे संडे होता है और मंडे होता है, तो बस इसी तरह से होता है। ये मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, आई कैंट बिलीव बटर, तो ये लाइट सा बटर है, तो मैं ये साथ में थोड़ा सा जब ब्रेड टोस्ट करूँगी तो फिर थोड़े से लगा दूँगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे मेरे बच्चों को पसंद है वो मैं उन्हें वैसे ही बनाकर दे देती हूँ, जो भी उन्हें अच्छा लगता है। तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं, अगर बच्चे शौक से खा लें तो फिर आपको पता ही है कि आपकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। तो मेरा भी बस सेम यही हिसाब किताब है कि बच्चे बस खुश होकर खा लें एक बार, तो फिर बस मेरा दिन बहुत अच्छे से चला जाता है। मोस्टली जो मेरे घर की क्लीनिंग होती है वो मैं मंडे को करती हूँ, सैटरडे संडे मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो आपको पता है कि बाहर के इतने काम होते हैं, तो आज मंडे है पर बच्चों की छुट्टी है, तो मेरे 3 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत मैं किचन तो क्लीन कर ही लूँ, बिकॉज़ आपको पता है कि खाने के बाद जो हाल मेरा किचन का होगा मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि अभी तो मैं जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, साइड पर रख रही हूँ सामान जो भी है। तो मैंने जस्ट सुबह का मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया था, और उसके बाद फिर जो ये बच्चों का बनाया, तो आप रात को मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होती है, और आप अभी देखेंगे कि बस ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही बस क्या हाल हो जाता है लंच तक। ये ब्रेकफास्ट और लंच का इतना ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी बेटी को थोड़ी केचप पसंद है, तो मैं इसीलिए केचप डाल रही हूँ सैंडविच में। तो पहले बेटी को दे दूँगी और फिर उसके बाद बेटे के लिए बनाऊँगी। तो दोनों बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो मैं थोड़ी चीज़ डाल देती हूँ कि शौक से खा लें, और ब्रेकफास्ट भी यही है और लंच भी यही है, तो इसीलिए मैं हेल्थी सा बना देती हूँ दोनों को। तो अब बारी है मेरे बेटे की, तो मैंने नहीं खाया, मैंने ओट मील खा लिया था योगा के बाद, तो मैंने नहीं खाया है, बस तीनों को ही बनाया है। तो ये देखिए मैं ऑर्गेनिक वाले एग जो होते हैं जम्बो वाले बड़े वाले एग, तो वो यूज़ करती हूँ। तो मैं मोस्टली 2 येलो वाले नहीं यूज़ करती, बस एक ही यूज़ करती हूँ, दोनों नहीं यूज़ करती। एग वाइट यूज़ करती हूँ 2, और येलो वाला मैं एक ही यूज़ करती हूँ। ये हल्का सा सॉल्ट और मैंने जो धनिया जीरा का पाउडर मैं पीस कर खुद रखती हूँ, तो वो बस थोड़ा सा डालकर बस जल्दी से बना देती हूँ।
तो ऐसे होता है कि अगर बच्चों ने कुछ खाया होता है और सभी ने कुछ खाया होता है तो आप इजी से अपनी क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आज तो बस मेरा सारा दिन इसी में ही गुजरा है। सुबह उठकर मैंने कुछ खास नहीं किया है, अपने योगा वगैरह किया और ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद बच्चों को बस खिलाया, तो उसके बाद अपनी किचन वगैरह जो मैंने क्लीन करनी थी तो वो मैं 45 मिनट ऑलमोस्ट इसके बाद मुझे लग जाएंगे जब मैंने क्लीनिंग करनी है। तो आपको बताइए कि इतना हो जाता है 3 दिन का, तो आप सोच ही सकते हैं तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो मेरे साथ बस ऐसा ही होता है, तो मुझे बस ये होता है कि एक बार खा लें और उसके बाद फिर ही मैं क्लीनिंग शुरू करूं। अभी मेरी लॉन्ड्री है जो करने वाली है, तो इसके बाद फिर मुझे लॉन्ड्री भी जाना है। तो मैं सोच रही थी कि कितने काम पड़े होते हैं, तो आपको पता है कि सैटरडे तो मैं बीमार भी थी और फिर मुझे पार्टी पर जाना पड़ा और संडे मैंने ग्रोसरी वगैरह की, बाहर से खाना खाया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर घर आके मुझसे कुछ खास ज़्यादा काम नहीं हुए हैं, बस रात को आप देख ही लेंगे मेरा जो संडे का व्लॉग है तो उसमें आप ही देख ही लेंगे कि मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, बस बाहर से शॉपिंग की और थोड़ा बहुत बाहर से ही खाना खाया और रात को बस मैंने आकर अपना जो चाय का कप है हल्दी वाली का वो ही लिया होगा रात को। तो ऐसे ही बस मेरा सैटरडे संडे चला जाता है, तो आज तो मंडे भी बस मेरा ऐसे ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे काम ट्यूसडे पर होंगे, तो मुझे अपने करवा चौथ की तैयारी भी करनी है। तो साथ साथ मैं ये देखिए ये मेरे बेटे का सैंडविच, तो अभी मैं देख रही हूँ मुझे भूख लग गई है, तो ये देखिए मेरी किचन का हाल, लंच ब्रेकफास्ट तक मेरी किचन का ये हाल हो जाता है। तो मैं जितना भी साथ साथ कर लूँ पर आपको पता ही है कि बस ये हाल हो ही जाता है, मेरा लंच और ब्रेकफास्ट ये दोनों का है। तो इसके बाद मैंने अपना बस अपनी तैयारी कर कर मैं आ गई कि मैं जल्दी से बस अपना किचन क्लीन करूं। तो चलिए जल्दी से करते हैं पहले किचन क्लीन। आपको पता ही है कि जब किचन क्लीन हो जाए तो समझे पूरा घर आपका क्लीन हो जाता है। तो मुझे तो यही लगता है कि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो घर में इतना टाइम नहीं लगता है, किचन में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए मैं करती हूँ जल्दी से अपनी क्लीनिंग, तो आप भी देखिए कि मैंने कितनी स्पीड के साथ किया। मुझे 45 मिनट तो मुझे इजी से लग गए थे कि इतना क्लीन करने के लिए, एवरीडे लग ही जाते हैं। आपको पता है कि तो ये मेरी बेटी गई थी रूम में, तो बस मैंने सोचा कि अभी मैं क्लीनिंग थोड़ी सी कर दूं, तो बच्चे हैं जो अपना बेडरूम क्लीन कर लेंगे बाद में खाकर, तो ये थोड़ा सा वो बस कर लेते हैं अपने बेडरूम, अगर मैं बोल देती हूं तो फिर इतना तो वो कर ही लेंगे। मोस्टली मेरी बेटी अपना खाना बना ही लेती है, पर मैं छुट्टी वाले दिन खुद बना देती हूं, तो अच्छा लगता है मुझे भी अगर उसका खाना बना दूं। देख रही हूं कि मैं बस जल्दी जल्दी से ये कर रही हूं, तो ये देखिए यहां पर मैं सारा कुछ बस साथ साथ जो भी है गार्बेज मैंने लगा लिया है। तो ये मेरे थोड़े से अनियन है जो मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने छील कर इसे 2 लिफाफों में डालकर फ्रिज में रख लिया है। आपको पता है कि मस्कीटो वगैरह आने लग जाते हैं, तो काफ़ी यूज़ भी नहीं होते हैं, 2 वीक तक यूज़ हो जाता है एक बैग, कभी कभी 3 वीक तक भी यूज़ हो जाता है। तो फिर मुझे डर था कि ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए फिर मैंने अनियन थोड़े से जो थे वो छील कर तो फिर मैंने रख लिए। तो पर मेरी आंखों में काफ़ी पानी आ गया जब मैंने किया, तो सारा फिर आपको पता ही है कि साथ साथ में ऐसे होता है कि कर ले तो थोड़ी वॉल वगैरह की क्लीनिंग भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो ये मेरी डीप क्लीनिंग नहीं है, तो ये तो बस मेरी एवरी जब मेरा वीकेंड गुजरता है तो मेरी ये नॉर्मल सी क्लीनिंग होती है। आपको पता है कि जब मेरा ब्रेकफास्ट लंच बनाती हूँ तो उसके बाद ये वाली क्लीनिंग होती ही है एवरी डे वाली। मुझे लगता है कि जब जो घर के सारे काम होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ये किचन क्लीनिंग वाला, तो कितना ही काम हो जाता है तो सारी चीज़ों को रखना इधर उधर, बस आपको पता ही है कि हर रोज़ ऐसे ही हो जाता है। तो जब खास करके मैं सैटरडे संडे के बाद करती हूँ तो ये बस इतना करना ही पड़ जाता है। जो डीप क्लीनिंग होती है तो मैं एवरी मंथ करती हूँ, तो जो मैंने पूरी क्लोज़ेट वगैरह क्लीन करनी हो तो एवरी मंथ करती हूँ, तो जो मेरी नॉर्मल क्लीनिंग होती है एवरी डे वाली तो ये होती है। तो सैटरडे संडे के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपको पता ही है कि अब 2 दिन तक मैं नहीं करती ज़्यादा काम, तो फिर मैं मंडे को ही करती हूँ। तो आज है मंडे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कर लूँ, नहीं तो कल को मेरे काफ़ी काम हो जाएंगे, हाउस क्लीनिंग भी हो जाती है आपको पता ही है, तो फिर खाना वगैरह बनाना तो काफ़ी काम हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम हाउसवाइफ फ्री नहीं रहती हैं, पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है।
है। तो घर के काम तो आपको पता ही है कि जितने भी आप करते रहो तो फिनिश होने का नाम ही नहीं है। तो अभी मेरी फ्रिज क्लीनिंग भी पड़ी है, मैं साथ साथ वो भी सोच रही हूँ कि कब करूँ। तो मैं थिंक करती हूँ कि मैं कल को कर लूँगी फ्रिज क्लीनिंग, और जो हाउस क्लीनिंग बाकी वाली बाकी है तो वो भी मैं कल को ही करूँगी। तो ये मैं साथ साथ देखी, मेरी आँखों में इतना पानी आ गया था जब मैंने ये अनियन किया, तो मैंने थोड़े से ही थे तो मैं फ्रिज में अच्छे से बांध कर रख दिया। आपको पता है कि मस्कीटो वगैरह आ जाते हैं जब ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मुझे ये है कि सफाई भी अच्छे से फिर हो जाएगी। तो ये मैं साथ साथ बस कर रही हूँ। ये जूसर जो मैंने बाहर निकाल कर रखा हुआ है चीज़ें, आपको पता है वीकेंड में मैं जूस करती रहती हूँ चीज़ें, तो भी मैं बाहर से फिर उन्हें अंदर रख देती हूँ, बाहर फिर कितना ही सामान हो जाता है। तो आपको भी पता ही होगा कि जब घर क्लीन हो जाता है, जब किचन क्लीन होती है, तो आप फ्री होकर बैठ जाते हैं, तो मैं चाय का कप पीती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है जब पूरा घर क्लीन हो जाता है। तो आज तो बस मैंने ये किचन ही क्लीन किया है, तो मैंने सोचा कि लंच और ब्रेकफास्ट तो बच्चों का एक साथ हो ही चुका है, क्यों ना मैं अपना यही कर लूँ। तो ट्यूज़डे पर मैं ना डालूँ, ट्यूज़डे को और भी काफ़ी काम हो जाते हैं, जैसे आपको बताया है कि मैंने करवा चौथ की तैयारी भी करनी है मेरी, तो इसीलिए बस जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरा ही काम फिनिश नहीं होता, जब सभी के साथ ऐसा ही होता है, तो सारा दिन बस ऐसे आपको पता ही है कि घर के काम याद आते रहते हैं। तो मेरा तो क्लीनिंग करने का बस ये होता है, मैं जिधर घर को जाती हूँ तो मैं उधर से ही कभी कभी तो स्टार्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ इधर से भी क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हुई है, तो इधर से भी करने वाली है, तो मेरा यही होता है। अगर मैं रूम में जाती हूँ तो रूम पर लग जाती हूँ, अगर मैं किचन में आती हूँ तो मैं किचन में लग जाती हूँ। तो मेरे साथ बहुत बार ये होता है। तो पर आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत क्लीनिंग साथ साथ करते रहें तो फिर मुश्किल नहीं होता है। आपको पता है कि हाथ वगैरह लग जाते हैं, फूड वगैरह लगता रहता है जब आप कुकिंग वगैरह करते हो, जितना भी बचा लो तो फिर होता ही रहता है। तो वैसे भी मैंने दो दिन से बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, तो थोड़ी सिक थी तो इसीलिए भी मैंने बिल्कुल नहीं किया। सैटरडे संडे तो मैं वैसे भी नहीं करती, आपको बताया मेरे बाहर के काम काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा क्लीनिंग वाला काम नहीं करती, तो मंडे टू फ्राइडे ही करती हूँ जो मैं करना होता है मैंने क्लीनिंग का काम अपना। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ सैटरडे संडे के बाद, तो मुझे 45 मिनट टू 1 आवर लग जाता है जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ, तो इतना तो नॉर्मल ही आपको पता है। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे 2-3 आवर इजी से लग जाते हैं। आपको पता है कि डीप क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बस मैं जल्दी जल्दी से बस ट्राई करती रहती हूँ कोई चीज़ों को समेट कर रख दूँ और क्लीन थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही मेरी किचन है जो बिल्कुल क्लीन चाहिए, मेरा लिविंग रूम और किचन मेरी जो है बिल्कुल मुझे क्लीन चाहिए जब मैं उठती हूँ, तो मेरा दिन फिर अच्छे से जाता है। आपको पता है कि अगर आपकी किचन गंदी होती है उठते ही, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको। तो जिससे मैं क्लीन करती हूँ, मैंने DIY बनाया हुआ है अपना, तो मैं उससे क्लीन कर रही हूँ, तो बॉटल में मैंने डाल रखा है, तो उससे ही मैं करती हूँ, तो आपको बताया कि उससे अच्छे से हो जाता है। तो चलिए, मेरी किचन ऑलमोस्ट हो चुकी है क्लीन, तो उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह डिश वॉश जो है थे वो कर लिए थे, तो मैं हाथों से ही करती हूँ, तो मेरे पास डिश वॉशर नहीं है। तो ये देखिए मेरी किचन हो चुकी है क्लीन, तो मुझे मेरे दिल को जो सुकून मिलता है जब मेरी किचन क्लीन होती है, तो वो मैं बयान नहीं कर सकती। जो मेरी बहनें है घर में, हाउसवाइफ है, तो वो फील कर सकती हैं कि जब आपकी किचन क्लीन हो जाती है तो आपको कितना सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मैंने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।